हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको फेस वॉश का रिव्यू देने वाली हूँ और कौन सा फेस वॉश हमारी स्किन के लिए अच्छा रहता है ये बताऊँगी। काफ़ी सारे फेस वॉश यूज किए हैं और सारे फेस वॉश अच्छे रहते हैं, तो सारे फेस वॉश मुझे अच्छे लगे। बट गाइज, ये जो है हिमालय का फेस वॉश है, प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश है ये। मैं करीब 2-3 महीने से यूज कर रही हूँ और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो एक मेरे व्यूवर ने मुझे बोला था कि मैं फेयर एंड लवली का रिव्यू दूँ फेस वॉश का, बट अभी मार्केट बंद है और मुझे फेयर एंड लवली का फेस वॉश तो मिला नहीं। और जो मैं घर पर यूज कर रही हूँ, देखिए हिमालय का, इसी का रिव्यू मैं दे देती हूँ। तो सारे फेस वॉश अच्छे होते हैं गाइज, हर कंपनी के फेस वॉश अच्छे होते हैं। इन सब फेस वॉश में सेम मटेरियल होता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस ये है कि ये अलग अलग बने होते हैं कि पिंपल्स के लिए तो ये नीम का आ जाएगा, ड्राई स्किन के लिए केसर चंदन का आ जाएगा। इस पर लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक है, बट ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक नहीं है। हाँ, इसमें नीम वगैरह टर्मरिक वगैरह डली हुई है, तो ये हर्बल्स होती हैं चीज़ें। ये इसने बताया कि ये सोप फ्री है, हर्बल फार्मूलेशन दैट जेंटली रिमूव्स इम्प्योरिटीज एंड प्रिवेंट पिम्पल्स। मतलब ये पिम्पल को रोकता है और हमारी स्किन की जो इम्प्योरिटीज है इनको निकाल देता है, इसको रिमूव करता है। नीम वेल नोन फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। नीम में एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, किल प्रॉब्लम कॉजियस बैक्टीरियाज, और जो कि हमारी जो बैक्टीरियाज को मार देते हैं। एंड टर्मरिक इफेक्टिवली कंट्रोल्स एक्ने एंड पिंपल्स। और इसमें हल्दी भी है गाइस, जो अपने एक्ने और पिंपल्स को रोकती है आने से। यूज रेगुलरली फॉर क्लीन सॉफ्ट एंड पिंपल फ्री स्किन। इसको रेगुलरली यूज करना चाहिए सॉफ्ट क्लीन और पिंपल फ्री स्किन के लिए। बट गाइज, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको अगर बाहर जाते हैं किसी काम के लिए या ऑफिस वगैरह में, तो आप इसको 3 बार यूज करें, या फिर जितनी बार भी आप बाजार जाते हैं तो आते ही हमें फेस वॉश यूज करना चाहिए और अपना फेस धो लेना चाहिए। खासकर गर्मियों में, हमारी स्किन पर ऑयल डस्ट वगैरह ज़्यादा चिपकती है, तो हमें जितनी बार भी हम बाहर जाते हैं तो हमें उतनी बार ही फेस को क्लीन कर लेना चाहिए। अगर हम घर पर रहते हैं तो सिर्फ 2 बार इसको यूज करना चाहिए। और ये मतलब पिंपल्स को आने से रोकता है। तो गाइज, देखिए फेस वॉश है, सिर्फ ये फेस को वॉश ही करेगा, इसमें पिंपल्स वगैरह रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। ये नहीं है कि इसको लगा लेंगे तो हमारे पिंपल्स ख़त्म ही हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। और कोई भी फेस वॉश यूज करेंगे स्किन को सॉफ्ट करते हैं और स्ट्रेच नहीं करते। जैसे साबुन से हम फेस धोते हैं तो स्किन स्ट्रेच होती है, ऐसे खिंची खिंची सी लगती है, रुखी रुखी सी लगती है। तो ये फेस वॉश का यही फायदा है कि सॉफ्ट हो जाती है इससे स्किन। बट जो हमारे चेहरे पर जो प्रॉब्लम है वो खाने पीने से ज़्यादा होती है, तो हमें डाइट कंट्रोल करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, हमारी ड्राई स्किन होती है, हम प्रोटीन की चीज़ें नहीं लेते खाने में, दूध वगैरह, तो स्किन ड्राई हो जाएगी। और ये जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें हम ले लेते हैं तो पिंपल्स हमारे निकलते हैं। तो गाइज, इसी बात का हम ध्यान रखेंगे कि अगर पिंपल्स है तो खाने में ऑयली फूड वगैरह ज़्यादा ना लें। सिर्फ फेस वॉश से, फेस धोने से काम नहीं चलेगा, तो उसको हमें डाइट को भी फॉलो करना पड़ेगा। मिर्च मसाले वाली ज़्यादा चीज़ें ना लें और सिंपल खाना खाएं, तभी हमारे पिंपल्स हटेंगे। और गाइज, इसको यूज करने का तरीका है, इसको सीधा ना लगाएं फेस पर, या फिर हाथ में पानी लेकर, और सिर्फ इसकी एक ड्रॉप ही लेनी है हमें, ज़्यादा इसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो सिर्फ एक ड्रॉप और पानी के साथ ही लगाना है। तो गाइज, कोई भी फेस वॉश, देखिए इनमें केमिकल तो होता ही है, कितना भी बोल दें कि नहीं होता, बट होता है। थोड़ा बहुत तो बेस बनाने के लिए डालना पड़ता है इसमें केमिकल। अगर आपको फिर फेस वॉश यूज नहीं करना, तो आप बाबा रामदेव का जो ये देखिए एलोवेरा यूज कर सकते हैं, इससे भी हमारा अच्छी तरह से फेस वॉश हो जाता है, या ओरिजिनल लगा सकते हैं। इनसे सब चीज़ों से आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। अगर इससे आप करोगे तो इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, और ये जो एलोवेरा जेल है ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये फेस वॉश तो नहीं है, पर ये फेस को अच्छी तरह से मेंटेन करता है।
तो गाइज और मैं इसका क्या बताऊं, बस यही है, इसको फेस को वॉश करने के बाद थोड़ी सी हमें क्रीम लगा लेनी चाहिए फेस पर, ताकि मॉइस्चराइजर हमारे फेस पर बना रहे। और गाइज इसको जेंट्स यूज करेंगे, लेडीज इसको दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है ना गाइज। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसको जेंट्स यूज करें या लेडीज, इसको दोनों यूज कर सकते हैं। जेंट्स की स्किन भी अच्छी रहती है और लेडीज की स्किन अच्छी रहती है। और ये देखिए गाइज, ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, मतलब ड्राई हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो या ऑयली स्किन हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज मेरी कम्बो स्किन है, जैसे कि सर्दियों में तो ड्राई हो जाती है और गर्मियों में ऑयली हो जाती है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको। और जैसे भी आप फेस वॉश लेते हैं, तो आप उसको उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं और आप उसके डायरेक्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ मिलता है आगे, ऑयली स्किन के लिए है या ड्राई स्किन के लिए, ऐसा पता करके आप कोई भी फेस वॉश ले लें। थोड़ा बहुत फर्क होता है ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए। तो गाइज इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखकर फेस वॉश खरीदें। तो फिर यही था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।